उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडागर्दी का एक और मामला। उन्नाव के बांगरमऊ में सब्जी विक्रेता फैसल की पुलिस ने पीट पीट कर की हत्या। क्या कहना है परिवार वालों का देखिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे का गुंडाराज कैसा है, कितना है, इसके कई मामले आज तक सामने आए। एक और मामला सामने आया है उन्नाव के बांगरमऊ से। बांगरमऊ में भाटपुरी में सब्जी मंडी लगती है। लॉकडाउन के दरमियान युवा फैसल पुत्र इस्लाम हुसैन 21 मई को सब्जी बेच रहा था। उसी वक्त पुलिसकर्मी विजय चौधरी और उसके अन्य साथी वहां आए। उन्होंने जगह पर फैसल को लॉकडाउन का पालन न करने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई की, थाने ले जाकर के पिटाई की। और जब बेहोशी की हालत में फैसल को लेकर के घर वाले अस्पताल पहुंचे तो फैसल दम तोड़ चुका था, फैसल की मौत हो चुकी थी। इस मामले में विजय चौधरी पर और उसके एक साथी पुलिसकर्मी पर पुलिस विभाग द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है। एक और होमगार्ड पुलिसकर्मी इसमें शामिल था जिसे सेवा से बर्खास्त किया गया है। पूरे मामले को स्थानीय MIM के नेताओं ने भी उठाया है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर मृतक फैसल के परिवार वालों का, उसके भाई का क्या कहना है देखिए। साथ ही आपको ये बता दें कि फैसल के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया है इन अपराधी पुलिस वालों के खिलाफ। ये क्या हुआ था, कैसे इसकी मौत हुई? पुलिस वाले आए का मारे और थाने में रहिए। नहीं, कहाँ से ले गए? कहाँ से? बाजार से। बाजार क्या कर रहा था? बाजार में, बाजार में बैठा था, सब्जी लगाया था। हाँ? और भी और लोग भी बैठे थे। हाँ? वे सब भाग गए थे। हाँ? तो इसका पकड़ी। हाँ? उसका मारिन भी। हाँ? फिर थाने में ले गए उसको। जब आपको तुम्हारा भाई दिया गया, किस हालत में था वो? हम तब गए थाने में, जब लवान गए तब बेहोश था। अच्छा। हाँ। फिर इसको हॉस्पिटल कौन लेकर आया? पुलिस वाले लेके आए या आप लेकर आए? आपने पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले लेकर आए। अच्छा, जब हॉस्पिटल आप लेके आए तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने बताया जो है थोड़ा मामला जो है गंभीर है, बचना मुश्किल है। डॉक्टर ने बताया बचना मुश्किल है। अच्छा, फिर जो कुछ इलाज मिला हॉस्पिटल में? हाँ, तो अगर रेफर करी तब तक मर गया।